नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवकुमार तिवारी। 7 दिसंबर परसों से राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। 7 दिसंबर को हर व्यक्ति मतदान करने वाला है और चुनावी घमासान जोरदार चल रहा है। सबसे बड़ा घमासान रतनगढ़ में है, जहां पर त्रिकोण संघर्ष हो रहा है। एक और भाजपा के अविनेश महर्षि तो दो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री जो हैं राजकुमार रीणवा निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, वो भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं, तो पुष्पराम गोदारा कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। इन तीनों के बीच में जो घमासान है उसकी नज़र पूरे राजस्थान के लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। और आज हम आपको सुबह का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर अविनेश महर्षि जो कि भाजपा उम्मीदवार हैं वो अपने आज के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और वो महामंगलेश्वर मंदिर में पहले दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राजनीति में ये भी मुद्दा रहता है, हर जो भी चुनावी कैंडिडेट है वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो उसको एक मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन फिलहाल भाजपा के उम्मीदवार अविनेश महर्षि यहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद में वो मार्केट में आज लोगों से जनसंपर्क करेंगे। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। परसों 7 दिसंबर को मतदान है और प्रशासन भी सबसे निवेदन कर रहा है कि हर व्यक्ति मतदान करें। आओ भाई साहब वोट देवन चला, जगह जगह इस तरह के होर्डिंग लगे हैं और मैं भी आपसे यही निवेदन करूँगा कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति ये कहती है कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले भगवान को याद करें, और नेता लोग भी यही करते हैं। कोई भी कार्य का जब श्री गणेश होता है तो भगवान को याद किया जाता है। अब चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, केवल आज आज का वक्त लोगों के पास है, नेताओं के पास है भाषण देने का, लोगों से मिलने का, उसके बाद में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। आज बुधवार के दिन भाजपा के उम्मीदवार जो कि रतनगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं अविनेश महर्षि, अपने सुबह के प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज वो रतनगढ़ में जनसंपर्क करने वाले मार्केट में, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर महामंगलेश्वर शिवालय में वो भगवान का जलाभिषेक करके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्केट में निकलने वाले हैं। रतनगढ़ के महामंगलेश्वर शिवालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर अविनेश महर्षि आज बुधवार के दिन रतनगढ़ में जनसंपर्क करने से पहले जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। और पंडित जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं चौमा जी का। दुकानों में जाकर निवेदन किया जा रहा है अविनेश महर्षि का मार्केट में जनसंपर्क रेलवे स्टेशन से शुरू हो रहा है। ये देखिए मुस्लिम भाई भी बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अविनेश जी महर्षि का स्वागत हो रहा है यहाँ पर। देखिए मुस्लिम भाई सम्मान कर रहे हैं अविनेश जी का यहाँ पर। प्रत्येक दुकान पे जनसंपर्क हो रहा है। पूरे देश में बहस चल रही है कि इस बार सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं है क्योंकि भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए। लेकिन अविनेश महर्षि की रैली में आप देख रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम भाई आप देख रहे हैं नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे हैं टोपी और तिलक एक साथ नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, और इधर आप देख सकते हैं ये भाई आप देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि राजनीति होनी चाहिए लेकिन धर्म पे नहीं होनी चाहिए, प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सामुदायिक सद्भावना का देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म सभी नेताओं का सम्मान भी करते हैं। नेताओं का भी चाहिए कि वो धर्म की राजनीति नहीं करें, और ये नज़ारा मुझे बहुत सुंदर लग रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं तिलक और टोपी के साथ मुस्लिम और हिंदू भाई अविनेश महर्षि की रैली में साथ नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियाँ दोनों के नहीं नेताओं के लिए सज है। अभी जहाँ एक और नेता घर घर जाकर दुकान दुकान जाकर वोट डालने का सबको निवेदन कर रहे हैं, हालांकि नेता अपने लिए मतदान का निवेदन कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग और प्रशासन भी सबसे निवेदन कर रहा है कि मतदान जरूर करें, चाहे किसी भी नेता को करें। और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन पर प्रचार प्रसार किया गया है। आप देख रहे हैं रघुनाथ जो ये विद्यालय है रतनगढ़ का सबसे बड़ा विद्यालय, वहाँ पर एक तोरण द्वार यहाँ पर लगाया गया है। आपका मतदान लोकतंत्र की शान, ये सही है, एक एक मत हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। हम इस बात का गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हिंदुस्तान के भारत के हम वासी हैं। और 7 दिसंबर को मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अच्छे व्यक्ति को मत दें, किसी भी पार्टी को दें, लेकिन मतदान जरूर करें, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ। ये रमा ज्ञान भवन पर आप देख रहे हैं ये लगाया गया है बोर्ड,
जिसमें सभी से मतदान करने का निवेदन किया गया है। राजस्थान की सरकार हम चुनेंगे, 7 दिसंबर को मतदान होगा और 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब देख रहे हैं बहुत बड़ी माला लेकर लोग खड़े हैं अविनाश मर्सी के लिए। तंत्र के पर्व का उत्साह रतनगढ़ में देखते ही बन रहा है। इस मर्सी को ये बड़ी माला पहनाई जा रही है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। अविनाश मर्सी भाजपा के जो चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, लोगों से मतदान के लिए निवेदन कर रहे हैं और लोग भी चलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए बहुत बड़ी माला अविनाश मर्सी को यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर पहनाई गई है और अविनाश मर्सी भी इस प्यार इस मोहब्बत से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्पो यूनियन के लोग स्वागत कर रहे हैं अविनाश मर्सी का। ऑटो यूनियन के लोग सम्मान कर रहे हैं अविनाश मर्सी का। लाल बालाजी मंदिर द्वार के सामने से सभी निकल रहे हैं, फिर खड़े हैं। तनगढ़ से भाजपा प्रत्याशी अविनाश मर्सी का जनसंपर्क आप देख रहे हैं मार्केट में। लोकतंत्र के पर्व की रौनक चरम पर है। 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया मतदान के लिए और आज शाम से चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। अविनाश मर्सी भाजपा प्रत्याशी मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गए हैं क्योंकि 7 दिसंबर को सुबह मतदान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हर पार्टी के नेता, प्रत्येक निर्दलीय प्रत्याशी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना सबके हाथ में है लेकिन फल किसको मिलता है ये देखने वाली बात है और सब फल पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में लोकतंत्र का पर्व पूरे चरम पर है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं और प्रत्येक मतदाता के मन में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन मैं कहूँगा राजस्थान में रतनगढ़ की सीट हॉट सीट बन चुकी है जहाँ पर त्रिकोण संघर्ष कहा जा रहा है। एक और भाजपा के अविनाश मर्सी निर्दलीय जो कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं पुसाराम गोदारा और भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजकुमार रेणुआ जो कि राजस्थान में देवस्थान बाग मंत्री रहे, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब समय बहुत कम है, प्रत्येक प्रत्याशी पूरी मेहनत कर रहे हैं फल पाने के लिए। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान हो रहा है, तिलक किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है। यह है हमारे लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरती। कुछ वर्षा हो रही है पर भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी माला पहनाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे फूल लेकर खड़े हैं सभा में। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं। अविनाश मर्सी का मार्केट में जनसंपर्क हो रहा है। लोकतंत्र के पर्व का सुंदर नजारा रतनगढ़ से आप देख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भी ने इस मर्सी जनसंपर्क कर रहे हैं मार्केट में। घंटाघर के पास पहुंच चुके हैं सभी। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। नेता भी खूब प्रचार कर रहे हैं तो प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रहा है, खूब प्रचार कर रहा है। मैं भी सबसे निवेदन करूंगा मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के प्रति जोश और जुनून का नजर आप रतनगढ़ से देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। चुनाव में कुछ ही घंटे बाकी हैं, देख रहे हैं लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लोकतंत्र के
पर्व पर सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं। एक ओर जहाँ नेता लोगों से वोट के लिए निवेदन करें कि हमें वोट दें, दूसरी ओर प्रशासन सबसे निवेदन कर रहा है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और प्रशासन का पूरा सहयोग समाज सेवी कर रहे हैं। रतनगढ़ के सुप्रसिद्ध युवा समाज सेवी पवनजी तोसावड़ हमारे साथ है, जिन्होंने मार्केट में दर्जनों बोर्ड लगाए हैं, लोगों से निवेदन किया है कि आप मतदान का प्रयोग जरूर करें। ऐसे जागरूक युवा से मैं बातचीत करना चाहूँगा। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि प्रशासन का आप हमेशा सहयोग करते रहें। चुनाव में मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे बोर्ड मार्केट में लगे हैं, क्या निवेदन करेंगे लोगों से? बस निवेदन यही रहेगा कि अपन सबको मिलकर का वोट जरूर देना है। ऐसा कहीं भी बोलना होए कि अपना वोट छूट जाए, दें, अपनी मर्जी से दें, अपनी इच्छा से सोच समझ करके दें, अच्छे भाव व्यक्तियों को दें, मगर दें जरूर। ऐसा ना हो कि वोट अपना छूट जाए, किसी भी पार्टी को दें, बहुत ही कंपलसरी है वोट देना, ये देते रहें और देना जरूरी भी है। पवन जी सही कह रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, इसलिए पवन जी कह रहे हैं कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए। हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और इसके लिए पवन जी और क्या कहेंगे? वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, हर वोट के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो सभी को जल्दी से जल्दी 7 तारीख को और वोटिंग करनी है। अपनी मर्जी से दे, किसी भी किसी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात कही है कि मताधिकार दबाव में या पैसे के लिए नहीं करें। इनका कहने का मतलब ये है, अपनी स्वेच्छा से मतदान स्वैच्छिक होता है, आपका मन करे, आत्मी आत्मा बोले कि इस व्यक्ति को देना चाहिए, उसको मतदान करना है, लेकिन मतदान जरूर करें। और सही कह रहे हैं, एक व्यक्ति पर भारत सरकार का 77 रुपया राजस्थान में खर्च हो रहा है, इसलिए वोट की कीमत भी है और वोट की वैल्यू भी है, इसलिए आप मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जगह जगह अपने स्मृति का स्वागत सम्मान किया जा रहा। देख रहे हैं विशाल माला लेकर लोग खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाल गजरा पहनाया जा रहा है अविनाश मर्जी को। मीठा करवाया जा रहा है। बहुत बड़ी माला पहनाई जा रही है। रतनगढ़ का दृश्य देख रहे हैं। रतनगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अविनेश महर्षि मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं भारी भीड़ के साथ। दूसरे राजपा रीणवा भी आज ही संपर्क कर रहे हैं। घंटाघर के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। घंटाघर से गढ़ की तरफ का रास्ता, गढ़ की तरफ से लोग आ रहे हैं। राजनीति की रौनक चरम पर है। परसों 7 तारीख को चुनाव है, लगभग 35-40 घंटे मतदान को बचे हैं, और रतनगढ़ में देखिए क्या रौनक है चुनाव की। अविनेश महर्षि का जनसंपर्क रतनगढ़ मार्केट में आप देख रहे हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं। दुपट्टा उड़ाया गया है यहाँ पर।
दुकानदार आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की रैली एक ही रोड पर है और पुलिस ने एक रैली को रोका है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 का नजारा आपको दिखा रहे हैं। रतनगढ़ में आप जानते हैं पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को केवल 30 घंटे का वक्त रह गया है और इसमें रतनगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अविनेश महर्षी और निर्दलीय प्रत्याशी राजमा रेणुआ अपना जनसंपर्क मार्गपेट में कर रहे हैं। दोनों घंटाघर के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। कहीं कोई झड़प नहीं हो, कहीं कोई इस तरह की वारदात नहीं हो, शांति से सब काम हो, इसलिए पुलिस ने एक जो जुलूस है उसको रोक दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अब तक कार्य हो चुका है। अब चूंकि मतदान को केवल 30 घंटे रह गए हैं तो प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि कोई अप्रिय वारदात हो, लेकिन रतनगढ़ एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर हर त्यौहार शांति से मनाया जाता है। ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, बड़े आनंद और उल्लास के साथ और जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और रतन